डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नसों में चर्बी व खून का थक्का जम जाना और फिर इसके बाद जीवन पर बने संकट को टालने के लिए इंडोवास्कुलर सर्जरी किसी वरदान से कम नहीं। बीमारी चाहे दिल से जुड़ी हो या फिर नसों के कारण वेरिकोज जैसी गंभीर, लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। इसके चलते पैर काला पड़ना और उसके काटने जैसे हालत बन जाना इन दोनों काफी मरीजों में देखा जा रहा है। ऐसे में मेरठ के KMC चिकित्सा संस्थान में बेहतर व अत्याधुनिक उपकरणों के साथ कार्डियोथोरेसिक व वास्कुलर सर्जन डॉक्टर तनय गर्ग इन बीमारियों से ग्रसित लोगों का न सिर्फ बखूबी इलाज कर रहे हैं बल्कि उनके जीवन पर आए संकट को भी टालने में मददगार साबित हो रहे हैं। आज KMC चिकित्सा संस्थान में ऐसे तमाम मरीजों को मीडिया के सामने लाया गया जो चिकित्सक का धन्यवाद देते हुए थकते नजर नहीं आए। KMC चिकित्सा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए MD डॉक्टर सुनील गुप्ता ने यह कहा। इसमें दो मेन बातें हैं, एक तो एक्सपर्टीज, इसकी एक्सपर्टीज के बहुत कम लोग हैं। अभी तक मेरठ का पेशेंट या मैसूरी का मरीज साथ में मुजफ्फरनगर का साथ को 13-14 का पेशेंट दिल्ली का था, अब यहाँ पे इसमें 1.5 साल से है। तो नंबर दो, इसमें टाइम पे काम और बहुत जरूरी है। सपोज पेशेंट यहाँ आया, सदर साहब बाहर तो साहब कल मिलेंगे, कल तक कर जाएगा, तो इसमें 6-8 घंटे का टाइम खाली होता है। तो सबसे मुख्य महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर तनेगर यहाँ 24 घंटे उपलब्ध है कार्य के लिए। घंटे लोग नजर तो ये मरीजों में कोई बात नहीं हो वो वैसे बहुत जाते हैं। तो ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि सर्जन की एक्सपर्टीज और सर्जन की उपलब्धता यहाँ पे, इसलिए हमें जानकारी समाज तक पहुँचाने के लिए प्रेस बंधुओं को हमने यहाँ चाहते हैं आमंत्रण दिया है। और सभी हमने बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का जिनका यहाँ पे इलाज हुआ है। और यहाँ पे बेचारे वेट कर रहे हैं 2-2.5 घंटे से, आधे घंटा में जल्दी खराब हो गया। अब हो गया क्या? जोर से बोलो। क्या हुआ था? खून का थक्का था आपके पैर में? हाँ जी, खून इस मौके पर डॉक्टर तनय गर्ग ने यह जानकारी दी। डॉक्टर तनय गर्ग, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस वैस्कुलर सर्जरी का ऑर्गेनाइज करी है लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कि क्या होते हैं वैस्कुलर डिजीज, पैरों की नसों में, हाथों की नसों में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पैर काले पड़ जाते हैं, हाथ काले पड़ जाते हैं, टाइम पर डायग्नोज नहीं होते हैं। तो उस चीज़ के विषय में कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, जब भी पैरों में दिक्कत हो, पैर ठंडे पड़ने लगे या हाथों में दिक्कत हो तो तुरंत वैस्कुलर सर्जरी सर्जन को कॉन्टैक्ट करें। मैं डॉक्टर तनेगर, वैस्कुलर सर्जन, KMC हॉस्पिटल में उपलब्ध हूँ 24 घंटे आप लोगों की सेवाओं के लिए। धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।